हेलो एवरीवन, मेरे भविष्य के वीएलडी डॉक्टर साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएलडीए कैंपस पर। और बच्चों, आज फिर से मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ एक ज़बरदस्त 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लेकर। और बच्चों, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक कर देना और जम के शेयर कर दो यार। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को हमारी हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो बच्चों, आइए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से इसका राइट आंसर दे दीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से समझो, इसने क्या कहा है। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, यानी एक्सेलरेशन किसके बदलने की दर है, फटाफट से बता दो भाई। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बस आप जवाब देने की कोशिश करो बच्चों। और कुछ मेरे साथियों का क्वेश्चन बारी बारी आता है कि सर वीएलडीए का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होंगे। तो बच्चों घबराओ नहीं यार, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जितना लेट हो, आपको टाइम मिल रहा है प्रैक्टिस के लिए। तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है नेक्स्ट मंथ में 15 सितंबर से पहले पहले आ जाएंगे भाई, ठीक है। बस आप स्टडी पे फोकस करो। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज अ एक्सेलरेशन, कि जब वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है, या वेलोसिटी के जो बदलने की जो दर है उसको हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन कहेंगे। और इसकी जो SI यूनिट होगी वो होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 बिलियंथ ऑफ ए सेकेंड इज कॉल्ड, कि 1 सेकेंड का 1 बिलियंथ जो हिस्सा है उसको हम क्या कहेंगे, फटाफट से आंसर दे दो भाई। इसीलिए कहता हूँ मैथ की क्लास जरूर लगाया करो, बिलियन मिलियन में डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है ना। मैथ्स पढ़ना बड़ा ज़रूरी है और आप लोग है ना मैथ को इग्नोर करते हो। तो बच्चों, ये नेगेटिव फैक्टर है आप लोगों का ध्यान रखना। फिर मत कहना कि सर आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया मैथ इतना ज़रूरी है। फटाफट से आंसर दे दो एक बार आप जी बच्चों, फटाफट से आंसर दे दो भाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा नैनो सेकेंड, ऑप्शन डी, ठीक है। 1 बाय में ये होता है भाई आपका 1 बिलियन, ध्यान रखना। ये होता है 1 बिलियंथ हिस्सा, ठीक है। इसको वैसे हम अब क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं हम 10^-9 सेकेंड, 10^-9 सेकेंड, यानी 1 नैनो सेकेंड है, ठीक है। वो किसके बराबर होता है, 10^9 सेकेंड, समझ गए बात भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट, व्हेन इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, व्हाट करंट विल बी हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 127.5 वोल्ट। तो फटाफट से इसका राइट आंसर दे दो भाई। 60 वोल्ट है भाई इलेक्ट्रिक हीटर, 60 वोल्ट का जो वोल्टेज है उसको दी गई है, करंट 4 एम्पियर का वो जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 127.5 वोल्ट कर दिया जाए तो। फटाफट से आंसर दे दो बच्चों, आसान सा क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल्स भी मैंने इसमें शामिल किए हैं। कुछ डबल मीनिंग क्वेश्चंस यानी बायो और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं जिनमें हम डिफरेंस नहीं कर पाते, वो क्वेश्चंस भी इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो प्रैक्टिस सेट को बच्चों लास्ट तक जरूर अटेंड किया करो, ये प्रैक्टिस सेट आपकी बड़ी मदद करेंगे। और जिन बच्चों ने इस प्रैक्टिस सेट को 2 बार देख लिया उसको बारी बारी मतलब क्वेश्चंस को खंगालने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें लर्न हो जाएगी। तो फटाफट से एक बार आंसर दे दो इसका सही। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। ये V हो गया,
ये आई हो गया, तो हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो एक फॉर्मूला मैंने बता रखा है आपको, वी इज इक्वल टू आई आर, यानी वीर बता रखा है बच्चों। तो यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लो, रेजिस्टेंस क्या आएगा, वी अपॉन आई आएगा। तो वी कितना है बच्चों, 60 है, ठीक है। आई कितना है, 4 है, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया, 15 ओम आ गया। उसके बाद इसने क्या कहा भी, करंट निकालना है जब वोल्टेज कितनी हो जाए, 127.5 वोल्ट हो जाए, तो रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा, करंट निकालना है। अब तो आई निकालना है बच्चों वीर से, देखो वी बाय आर आ जाएगा। वी कितना, 127.5 है, आर कितना है, 15 है। तो इसको कर लो भी सॉल्व, सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 15 8 जा 120, 15 5 जा 75, 8.5 एम्पियर, ऑप्शन ए क्या रहेगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आइए बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स इज मैक्सिमम एट विच प्लेस, कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो किस जगह पे सबसे ज़्यादा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स किस जगह पे सबसे ज़्यादा होती है बच्चों, फटाफट से आंसर दे दो भाई। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए, बस आप जवाब देते जाओ, समझते जाओ, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इनके जैसा ही क्वेश्चन आएगा या सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी, बस तैयारी करते रहो। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, पोल्स, कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चों वो क्या है, प्रत्येक जगह से बंधी हुई होती है हमारी अर्थ के सरफेस पे, पर जो सबसे ज़्यादा होगी वो अर्थ के पोल्स पे सबसे ज़्यादा होगी, अर्थ के पोल्स पे क्या होगी, सबसे ज़्यादा, ध्रुवों पे सबसे ज़्यादा होगी। अब आइए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एन इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर दैट कैन नॉट बी ऑब्टेंड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड, कि एक प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होगी जिसको हम स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते उसको हम क्या कहेंगे, फटाफट से आंसर दे दो भाई। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बच्चों आज की क्लास में, बड़े ज़बरदस्त ज़बरदस्त क्वेश्चन है, वीडियो को मौका मिलते ही शेयर कर दिया करो धड़ाधड़, ठीक है, ताकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जुड़ सकें। तो बच्चों जितना हो सकता है अभी कोऑपरेट करो, आप लोग हमें काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हो, आपके सहयोग और प्यार की वजह से ही ये टेस्ट सीरीज और ये यूट्यूब चैनल चल रहा है बच्चों, आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद कि आप इतना हमें कोऑपरेट कर रहे हो। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, वर्चुअल इमेज। ये चीज़ मैंने थ्योरी में आपको बताई थी कि जब भी हम किसी भी मिरर में देखते हैं तो उस मिरर में जो इमेज बनती हैं वो उसके पीछे बनती हुई प्रतीत होती हैं, हमें लगता है कि हम इस शीशे के पीछे खड़े हैं। तो बच्चों वो इमेज होती हैं वर्चुअल, और उस इमेज को हम स्क्रीन के ऊपर प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे सिनेमा हॉल में स्क्रीन लगी हुई है उसके ऊपर वो इमेज हमें नहीं मिल सकती, और उसके ऊपर जो हमें इमेज मिलेगी ना बच्चों, स्क्रीन पे जो इमेज मिलेगी वो होगी रियल इमेज, जैसे टीवी में जो इमेज मिलती है वो कौन सी होती हैं, रियल इमेज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 750 वॉट इज यूज फॉर 8 आवर पर डे, ये कहता है भाई 750 वॉट का एक इलेक्ट्रिक आयरन है, प्रेस है, ठीक है, इस्त्री है, जो 8 घंटे के लिए यूज होता है। तो ये कहता है देन द एनर्जी कंज्यूम्ड इन वन डे, कि उसके द्वारा जो एक दिन में एनर्जी कंज्यूम होगी वो कितनी होगी, फटाफट से आंसर दे दो भाई, फटाफट से राइट आंसर दे दो बच्चों, आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों, बस जवाब देने की कोशिश करो यार, हो जाएगा। न्यूमेरिकल मैंने करवा रखे हैं, टेंशन ना लो, और न्यूमेरिकल और भी करवा दूंगा आप लोगों को मैं, बस एक बार आप लोग बस वीडियोज को देखते जाइए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आ जाइए कि हमें ये चीज़ें आती हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिस सेट इसीलिए होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मैंने आपको बताया एनर्जी निकालनी है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है पी मल्टीप्लाई टी, पी कितनी है बच्चों 750, टाइम कितना है 8, मल्टीप्लाई करो भी 800 8 5 40 8 7 56 56 और 4 60, 6000 आ गया। अब आप कहोगे सर ऑप्शन में तो 6000 कहीं नहीं है, तो बच्चों ये वोट आर में है, ये किस में आया, वोट आर में, और जो एनर्जी की कमर्शियल यूनिट होती है वो होती है किलो वोट आर में, तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 30 से 30 कट हो गई और 6 किलो वोट आर इसका आंसर आ गया, ऑप्शन ए क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओडोमीटर गोज इंडिकेट्स, ओडोमीटर गोज क्या इंडिकेट करता है भाई, फटाफट से बता दो। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यार, यकीन के साथ कह रहा हूँ, इंटरेस्टिंग भी लगेंगे आपको,
ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है भी आप लोगों को समझ नहीं आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे ना यार शेयर कर देना, खुल के शेयर करना भाई, ठीक है। जैसे आप लोगों के लिए आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर जो रहेगा, ओडोमीटर, ओडोमीटर से हम क्या मापते हैं भाई, जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी व्हीकल्स के द्वारा उसको मेजर किया जाता है। ओडोमीटर आपके बाइक में भी लगा हुआ है, जो जिसको आप कहते हो किलोमीटर, इतने किलोमीटर चल गया, तो वो क्या होता है, ओडोमीटर होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, मटेरियल दैट यूजुअली आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि इनमें से कौन सा मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा, अच्छा चालक होगा। फटाफट से आंसर दे दो साथियों, फटाफट से आंसर दे दो भाई, अच्छे अच्छे क्वेश्चन से आप लोगों के लिए, बस आप लोग जवाब देते जाइए। तो मेरे साथियों वेट, मतलब आप लोग थोड़ा सा वेट किया करो यार, बारी बारी एक क्वेश्चन पुटअप मत किया करो, ठीक है। और इसके ऊपर मेरे को ये आदत नहीं है कि व्यूज़ लेने हैं या वॉच टाइम कंप्लीट करना है, मैं आप लोगों के लिए फेक डेट्स घोषित करूं कि इस डेट को यार ये पेपर आ जाएगा, ये हो जाएगा, आपके फॉर्म निकल जाएंगे, इससे पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, तो झूठे दिल को दिलासा नहीं दे सकता मैं, ठीक है। तो बच्चों आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है 15 सितंबर तक आ जाएंगे, आपकी जो वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की लुवास की, उसके ऊपर अपडेट का काम चल रहा है, मे भी 15 दिन से पहले ही आ जाए, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, ठीक है। झूठे दिलासे देना मेरे को नहीं आता, ठीक है ना बच्चों, तो भाई इन बातों पे थोड़ा सा ट्रस्ट किया करो। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम। आप लोगों को मैंने एक बात बताई, सबसे जो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का वो है सिल्वर, सिल्वर के बाद अगर हम बात करते हैं तो कॉपर भी हैं, कॉपर के बाद बात करें तो एल्यूमिनियम भी हैं। एल्यूमिनियम को बेस्ट क्यों माना जाता है, क्योंकि ये सस्ता है भाई, और सिल्वर क्या है, महंगा है। और आजकल जो तारे बनती हैं वो किसकी बनती हैं, एल्यूमिनियम की ही बनती हैं, वायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रिक पावर इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ, यानी इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होने वाली है, क्या रहती हैं बच्चों, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई। ये गजब की सीरीज आप लोगों के लिए ही स्टार्ट की गई है बच्चों, ठीक है। आप लोगों का मेरे को पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, उसके लिए आप लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। बस ऐसे ही जुड़े रहिए बच्चों हमारे साथ, और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से आगे बढ़ाते रहिए। कोशिश रहती है आपकी हर एक डिमांड को कंप्लीट किया जाए, और कहीं ना कर पाएं तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा, पावर की बात कर रहा है, तो पावर की जो ऐसा यूनिट मैं बारी बारी कहता हूँ वो है वोट। क्या है, वोट। क्या है बच्चों, वोट, WAT। क्या है, वोट, WAT। समझ गए मेरी बात भाई। तो उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ यू लुक इनटू ए मिरर, अगर आप एक मिरर में देखते हो, एक दर्पण में देखते हो, एंड फाइंड दैट द इमेज इज स्मॉलर देन यू, कि जो फोटो है वो आप लोगों से छोटी है, देन द टाइप ऑफ मिरर इज, कि वो मिरर किस तरह का है, कौन सा मिरर है, बताओ भाई फटाफट से। फिर समझाते हैं, एक ट्रिक बताते हैं आपको, उससे याद हो जाएगा। हाँ जी बच्चों फटाफट से आंसर दे दो भाई, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वाकई में यार, अब जवाब तो दो एक बार। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, कन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण। अब एक चम्मच, चम्मच तो घर पे होगी, उसमें अपना चेहरा देखना, ठीक है। तो उसमें आप चेहरा देखोगे ना, तो कर्व की शेप में जो शेप होगी, यानी जिसमें आप कुछ भी चम्मच में कुछ भी डालते हो, तो जो डालने वाला सरफेस है अंदर का, वो सरफेस कन्वेक्स मिरर का काम करता है, ठीक है। उसमें आप फोटो देखोगे, छोटे से दिखोगे, चुटकू से दिखोगे, ठीक है। उसके बाद चम्मच को थोड़ा सा उल्टा कर लो, रिवर्स कर लो, जो रिवर्स साइड है वो काम करती है कनकेव मिरर की तरह। उसमें जब आप अपना चेहरा देखोगे तो बिल्कुल मोटा देखोगे, ठीक है। उस टाइम आपको यूं लगेगा आप तो तगड़े मोटे तगड़े हो गए हो, ठीक है। उस टाइम चेहरे का जो साइज है वो थोड़ा सा आपको बड़ा दिखेगा, ठीक है बच्चों। चम्मच को याद रखना, चम्मच की अंदर साइड कन्वेक्स होगी, बाहर की साइड कनकेव मिरर होगी, और उससे आपको याद हो जाएगा इमेज छोटी होगी या बड़ी होगी। उसके बाद आइए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज विद, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे इंक्रीज होती है भाई,
और सेंट्रीफ्यूगल का जो प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है पता है आप लोगों को? दही में से मक्खन निकालना, ठीक है, मशीन चलती है वो प्रोसेस कौन सा होता है? सेंट्रीफ्यूगल। तो फटाफट से अब हिंट मैंने दे दिया, कर दो काम, दे दो आंसर इसका। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। क्या रहेगा? ऑप्शन सी। ऐसा क्यों होगा भाई? ऐसा इसलिए होगा बच्चों कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हैं वो फिक्टिशियस फोर्स है एक तरह की, जो पुल आउट होती हैं सेंटर ऑन द बॉडी, सेंटर पे लगती है भाई, ठीक है। जिस टाइम कोई भी मतलब मशीन का एग्जांपल लेते हैं तो मशीन क्या है, सर्कुलर पाथ में घूमेगी, जिसमें जिस टाइम आप मतलब दही से क्या मक्खन निकालते हो उस टाइम जो मशीन लगाते हो वो सर्कुलर पाथ में घूमेगी। तो जैसे जैसे उसकी रोटेशन हम बढ़ाएंगे बच्चों, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या है, बढ़ती जाएगी। समझ गए मेरी बात? अब आइए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द करंट व्हेन ए चार्ज ऑफ 1200 कूलम फ्लोज इन 6 सेकेंड। तो भाई करंट बता दो जब एक तार में से 1200 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, 6 सेकेंड में। तो फटाफट से करंट बता दो भाई क्या रहेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई करंट निकालने का फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला बच्चों दिमाग में है तो काम बन जाएगा, नहीं है तो काम वैसे बन जाएगा, नंबर कट हो जाएगा। तो बच्चों सारी चीज़ें दिमाग में रखनी पॉसिबल नहीं होती, बट याद रखने के तरीके होने चाहिए, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो क्यू दिखाता है चार्ज को, चार्ज कितना है 1200, टाइम कितना है 6 है, ठीक है, 6 दूनी 12, तो I कितना आ गया 200, 200 क्या आ गया एम्पियर। तो ऑप्शन बी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज, बता दो भी आंसर। विस्थापन के बदलने की दर को क्या कहते हैं, बता दो भी आंसर फटाफट से। शाबाश, वेरी गुड, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, बस जवाब दो आप लोग, मजे आएंगे। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी की जो ऐसा यूनिट है वो है बच्चों मीटर पर सेकंड, याद रख लेना। नेक्स्ट आइए जी क्वेश्चन नंबर 14 पे, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लाइट इंटेंसिटी इज कॉल्ड, कि जो लाइट की जो इंटेंसिटी है, प्रकाश की तीव्रता है, उसको मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज किया जाता है, बता दो भी फटाफट से आंसर। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बच्चों ये आप लोगों के लिए, बस आप जवाब देते जाओ यार, बिना जवाब दिए तो बात नहीं बननी, रिप्लाई करते जाओ बच्चों। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए ल्यूसीमीटर। क्या रहेगा? ऑप्शन ए ल्यूसीमीटर। उसके बाद आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑप्टिकल फिनोमिना दैट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ रेनबो ऑन ए रेनी डे, कि बरसात के दिन जो रेनबो बनता है भाई उसके लिए कौन सा फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल है, फटाफट से बता दो आंसर, दे दो भाई, इतना टाइम ना लगाया करो यार, फटाफट से आंसर दिया करो। वेरी गुड भाई, जो बच्चे आंसर दे रहे हैं वेरी गुड, वेल डन, जो नहीं दे रहे वो भी आंसर देने लग जाओ यार, आप लोगों को भी ढेर सारी शाबाशी। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी डिस्पर्सन। क्या रहेगा? ऑप्शन सी डिस्पर्सन। और जो रेनबो है वो नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो हमारे स्काई में क्या होता है, अपीयर होता है बरसात के बाद। तो ये किसके कारण होता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट के कारण होता है, जो पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं उनमें डिस्पर्जन का जो प्रोसेस है वो होता है भाई, ठीक है। छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स में सनलाइट क्या होती है, डिस्पर्ज होती है, स्कैटर होती है, ठीक है ना, इसके कारण रेनबो फॉर्म होता है बच्चों। तो उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज ऑलवेज, कि किसी भी मीडियम का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कितना रहेगा, यानी ये बात कर रहा है अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो म्यू की बात कर रहा है, फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा,
साइन आई बाई में साइन आर, नहीं 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 म्यू वाला अलग है भाई, मीडियन इसका आएगा पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय में सेकंड का, ऐसा कुछ है ये। ठीक है, तो पहले इसका आंसर दीजिए आप लोग, जब चैप्टर करवाएंगे तब समझा देंगे अच्छे से, क्योंकि ये कंडीशनल क्वेश्चंस है बच्चों, ठीक है ना, इनको अब बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसका जो राइट आंसर याद रखना है वो रहेगा मोर देन वन, ऑप्शन ए क्या रहेगा, बिल्कुल सही, कि किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो हमेशा एक से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। अलग अलग मीडियम के लिए आपको न्यूमेरिकल्स करवाएंगे तब बता देंगे। नेक्स्ट आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 पे, इफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज टू बी डिक्रीज, अगर हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को कम कर दें, देन द नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज शुड बी कनेक्टेड इन, कि रेजिस्टेंस को कम करना है तो रेजिस्टेंसेस को हम कैसे जोड़ें, किस कम्बिनेशन में जोड़ें, सीरीज में जोड़ें, पैरेलल में जोड़ें या दोनों में जोड़ें, फटाफट से आंसर दे दो भाई। बड़े अच्छे से बता रखा है क्वेश्चन ये, ठीक है, वो बच्चे जवाब दे पाएंगे जिन्होंने फिजिक्स की क्लास देखी है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, कि जब हम रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में जोड़ेंगे तो उस टाइम जो हमें नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी वो कम मिलेगी, और जब रेजिस्टेंसेस को हम सीरीज में जोड़ेंगे तो नेट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू मिलेगी वो हमें ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, अब आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच डिटरमाइंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव, कि साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन डिटरमाइन करता है, कौन निर्धारित करता है, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चे, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, जो बच्चे जवाब दे रहे हैं वेरी गुड, वेल डन बच्चों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा एम्पलीट्यूड, क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज डिटरमाइंड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, और जितना एम्पलीट्यूड हाई होगा उतनी ही फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाई होगी, ज़्यादा होगी। तो नेक्स्ट पे आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 पे, व्हेन एन एटम लूज एन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स, कि जब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, खो देता है बच्चों, तो उस टाइम वो पॉजिटिव आयन बनेगा या नेगेटिव, या इनमें से कुछ नहीं होगा या न्यूट्रल होगा, फटाफट से राइट आंसर दे दो भाई। तो बच्चों ध्यान से समझिए, मान लो भाई कोई भी एलिमेंट ले लो, कार्बन ले लो, तो मैंने आपको बताया भाई इसके न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन इसकी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं। अब मान लो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो जो पेयर है वो टूट जाएगा, ठीक है, तो पीछे क्या रह जाएगा, पॉजिटिव रह जाएगा, तो वो कौन सा आयन बनेगा, पॉजिटिव आयन बनेगा बच्चों, कौन सा आयन बनेगा, पॉजिटिव आयन। अगर यहाँ से प्रोटॉन को लूज करता है तो उस टाइम कौन सा आयन बनेगा, नेगेटिव, याद रख लेना। अब आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसकी एनर्जी है भाई, किसके कारण प्रोड्यूस होती हैं, तो फटाफट से आंसर दे दो भाई। गजब गजब के क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के लिए, बस आप जवाब देते जाइए, आप लोगों की प्रिपरेशन का आपको खुद ही पता चल जाएगा, कंटेंट आप लोगों ने हमारा देख ही लिया है बच्चों, और डे टू डे बेहतरीन जो क्लासेज है वो आप लोगों को मिलती रहेगी, ये मेरा वादा है। तो फटाफट से आंसर दे दो इसका भाई। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश बच्चों, फटाफट से आंसर दे दो। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है, ठीक है ना, क्योंकि जो चार्ज प्रोड्यूस होता है वो इलेक्ट्रॉन के मूव करने से पास होता है, मूव करने से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रिक एनर्जी किसकी फॉर्म है, इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म है बच्चों। नेक्स्ट आइए भी क्वेश्चन नंबर 21 पे, व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज्ड इन द रिमोट कंट्रोल ऑफ ए टेलीविजन, टेलीविजन का जो रिमोट वा होता है जिसके लिए आप लोग लड़ाई करते हो, ठीक है, उसकी जब आप बटन प्रेस करते हो तो कौन सी रेडिएशन वो छोड़ता है भाई, किस तरह की रेडिएशंस पे वो काम करता है, फटाफट से राइट लाइव चैट में आंसर लिख दो भाई। लड़ाई करते हो ना रिमोट के लिए तो आंसर भी पता होना चाहिए, दे दो फटाफट से आंसर।
लड़कियों टूट पड़ो ऑप्शन पे भाई, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, इंफ्रारेड। कौन सी रेडिएशन प्रोड्यूस करता है? इंफ्रारेड। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंफ्रारेड लाल कलर की नहीं होती, ध्यान रख लेना, कलर स्पेसिफाई नहीं होता बच्चा इनको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ फोर्स, के इनमें से कौन सी फोर्स की यूनिट है भाई, बल की यूनिट है? फटाफट से बता दो, लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों। शाबाश, बड़े अच्छे अच्छे बच्चे हैं। और बच्चों जैसा कि आपको हमने कहा था कि आप लोगों के लिए ऑफर्स आते रहेंगे, तो स्टडी मटेरियल का जो ऑफर है फिलहाल तक हमने 749 रखा है, कल से वो चेंज हो जाएगा, ठीक है? ध्यान रख लेना भाई, जिस बच्चे को इस ऑफर का फ़ायदा उठाना है उठा सकता है, कल से 999 हो जाएगा, 999 हो जाएगा, ठीक है बच्चों? तो भाई फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, न्यूटन। क्या रहेगा? ऑप्शन डी न्यूटन। न्यूटन किसकी यूनिट है बच्चों? ये हमारी जो यूनिट है किसकी यूनिट है, फटाफट से जवाब दे दो एक बार, फोर्स की है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। ए परमानेंट मैग्नेट कैन अफेक्ट, कि एक परमानेंट मैग्नेट है वो किसको अफेक्ट कर सकता है, प्रभावित कर सकता है? फटाफट से आंसर दे दो बच्चों। गजब गजब के क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, थोड़े फास्ट चलो आप लोग, 50 क्वेश्चन है आज की क्लास में। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, कि जो मैग्नेट्स हैं और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, दोनों तरह के मैग्नेट्स को परमानेंट मैग्नेट क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है बच्चों, ठीक है? क्योंकि एक जो परमानेंट मैग्नेट है वो क्या है, नेचुरल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसकी होती है, ठीक है? और जो टेम्परल मैग्नेट होता है बच्चों वो आर्टिफिशियल मीन से बना हुआ होता है, पर्पज होता है उसका कुछ, उसी के हिसाब से बना हुआ होता है। और जो परमानेंट मैग्नेट है वो अपनी मैग्नेटिक एबिलिटी को नहीं खोते, उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उन पे बना रहता है बच्चों, वो उसको लूज नहीं करते। इसके कारण वो मैग्नेट को और टेम्परेरी मैग्नेट को दोनों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What is the resistance of an electric component if a current of 0.1 ampere pass through it on application of 5 volt of potential difference across it? तो बच्चों यहाँ दो चीज़ें दे दी आपको, एक तो I दे दिया और एक V दे दिया, और निकालना क्या है, R निकालना है। फटाफट से निकाल दो भाई। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बस ऐसे ही जवाब देते जाओ साथियों, जवाब फटाफट से दे दो यार, टाइम मत लगाया करो प्लीज़, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं तो सोचते हैं भी कम टाइम में हो जाए तो अच्छी बात है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो देखिए क्या होगा, मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है, V इज इक्वल टू आई आर वीर, ठीक है? तो हमें यहाँ से रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है तो V अपॉन क्या हो जाएगा आई, V कितना है 5 और वो कितना है 0.1, डेसिमल हटाओगे तो ऊपर जीरो लग जाएगी, तो रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चों 50 ओम। ऑप्शन सी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करंट इन ए कंडक्टर कैन बी इंक्रीज बाय, कि किसी कंडक्टर में हम करंट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं बच्चों, फटाफट से आंसर दे दो भाई। शाबाश, वेरी गुड बच्चों, फटाफट से आंसर दे दो साथियों। इजी इजी से क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, बस आप जवाब देते जाइए। शाबाश, वेरी गुड। करंट इन ए कंडक्टर कैन बी इंक्रीज, कि एक कंडक्टर में हम करंट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, फटाफट से आंसर दे दो भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन सी, कि एक तो हम वोल्टेज को इंक्रीज करके करंट को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के, ओम्स लॉ ने ये बात कही थी, वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा, और जो करंट है बच्चों वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजिस्टेंस के, रेजिस्टेंस घटेगा तो जो हमारे करंट है वो क्या है, बढ़ेगा। तो ऑप्शन सी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आइए बच्चों, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, कि वाटर मॉलिक्यूल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो गतिविधियां हैं, मूवमेंट होती हैं, उसको, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फटाफट से बता दो भाई राइट आंसर। बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए, आप जवाब देने की कोशिश करोगे तो ज़रूर सक्सेस, सफलता आप लोगों को मिलेगी भाई,
ठीक है, अगर आपके माइंड में एक बात होगी कि यार ये क्वेश्चन तो मेरे को नहीं आता, तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है, ऑप्शन में लाइव चैट में आंसर जरूर दिया करो सभी। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, ऑस्मोसिस, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है उस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। नेक्स्ट पे आइए भाई, क्लोरीन गैस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, क्लोरीन गैस का प्रयोग किसको बनाने में किया जाता है, फटाफट से आंसर दे दो बच्चों, बस अब फटाफट से ही चलना है भाई, ठीक है, फटाफट से आंसर देते जाओ आप लोग। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, ब्लीचिंग पाउडर। एक बार ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला लिख दो यार लाइव चैट में, बड़ा मन कर रहा है आपसे एक सवाल पूछने का, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस के जवाब तो मैं ही देता हूँ, तो आप एक क्वेश्चन का जवाब दे दो भाई, फटाफट से दे दो भाई। नेक्स्ट में आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 28, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पीरियड्स एंड डेज कंटेन्स लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड्स, तो कौन से पीरियड्स हैं भाई जो लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स को कंटेन करते हैं, तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो साथियों। आसान आसान से क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बस फ्रिक्वेंटली जवाब देते चाहिए। और आज एक टेस्ट हुआ था 3 बजे, उसमें काफ़ी बच्चों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है भाई, तो आप लोगों को ढेरों बधाइयाँ बच्चों। और जिन जो अपनी प्रोग्रेस से संतुष्ट नहीं है, जितने भी प्रैक्टिस सेट हुए हैं वो उन प्रैक्टिस सेट्स को एक बार दोबारा से देख लें। और कुछ बच्चों के क्वेश्चन रहते हैं कि सर 9th क्लास का सिलेबस हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों 9th क्लास का जो सिलेबस है वो 10th का बेस है, तो 10th से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि उसको आप ज़रूर कीजिए, पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन बी, 6 और 7। 6th और 7th जो पीरियड है बच्चों उसमें लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स लाई करते हैं, ठीक है। अब आइए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29, अमोनिया कैन बी ड्राइड बाय, अमोनिया को कैसे सुखाया जाता है भाई, फटाफट से बता दो लाइव चैट में आंसर। और कुछ बच्चों के क्वेश्चन ये रहते हैं कि सर 9th का सिलेबस करवाओगे या नहीं करवाओगे, तो बच्चों बहुत जल्द हम 9th के जो MCQs की सीरीज हैं वो स्टार्ट करेंगे आप लोगों के लिए, साइंस कंप्लीट करवाएंगे, टेंशन ना लो, बस एक भरोसा रखो और कोर्स वीडियोज को देखते रहो, और जो प्रैक्टिस सेट आपको दे रहे हैं प्रैक्टिस करते रहो। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन डी, कैल्शियम क्लोराइड। अमोनिया को सुखाने के लिए कैल्शियम क्लोराइड का या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है बच्चों। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर्ट गैस, कि इनमें से कौन सी एक इनर्ट गैस है, मोस्टली मोस्ट कॉमनली फाउंड इन लाइट बल्ब्स, कि जो लाइट के लिए जो बल्ब्स हैं इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं उनमें यूज की जाती है, फटाफट से आंसर दे दो। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, बस आप जवाब देते जाओ। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, आर्गन, ऑप्शन ए आर्गन। उसके बाद आइए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ब्राउनिश फिल्म फॉर्म्ड ऑन आयरन व्हेन लेफ्ट इन ओपन इज कॉल्ड, कि जब लोहे के ऊपर एक ब्राउन कलर की जो लेयर आ जाती हैं, ठीक है, जब खुले में रह जाती हैं ऑक्सीजन के और मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आने से वो लेयर बनती है, उसको क्या कहते हैं, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई। बच्चों ये क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में थोड़ा सा स्टेटमेंट को घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस यही होते हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, रस्ट कहेंगे उसको, जंग कहेंगे बच्चों। नेक्स्ट आएगा, व्हाई इज आर्गन गैस यूज्ड अलोंग विद टंगस्टन वायर इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ये कहते हैं भाई टंगस्टन वायर के साथ आर्गन गैस का प्रयोग इलेक्ट्रिक बल्ब में क्यों किया जाता है, फटाफट से आंसर दे दो। फटाफट से आंसर दे दो बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ द बल्ब, बल्ब की लाइफ को इंक्रीज करने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। आर्गन गैस है भाई, इस उसको यूज करते हैं फ्लूरोसेंट और इनकैंडेसेंट जो लाइट बल्ब्स हैं उनमें करते हैं, टू स्टॉप द ऑक्सीजन इन द लाइट बल्ब्स फ्रॉम
कोरोडिंग द हॉट टंगस्टन फिलामेंट, जो टंगस्टन का जो फिलामेंट है उसको ऑक्सीजन से बचाने के लिए कि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके जंग उसको ना लग जाए, कोरोड ना हो जाए बच्चों, इसीलिए आर्गन का जो बल्ब में यूज किया जाता है। और आर्गन क्या करता है, बल्ब में जो टंगस्टन फिलामेंट का इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, यानी टंगस्टन को इवेपोरेट होने से क्या है बच्चों, रोकता है। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज असेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल इन ग्रीन प्लांट्स, कि कौन सा एलिमेंट क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल की फॉर्मेशन के लिए उत्तरदायी है, जरूरी है, फटाफट से आंसर दे दो भाई। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यार, बिल्कुल छांट छांट के लेके आया हूँ आप लोगों के लिए मैं, ठीक है, आप जवाब देते जाओ बस। तो इसका राइट आंसर रहेगा मैग्नीशियम, या मैग्नीशियम ना मिले तो आपको मिलेगा Mg2 पॉजिटिव, ये भी ना मिले तो मिलेगा बच्चों M++, ठीक है, क्या मिलेगा M++। उसके बाद आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34 पे, जर्मन सिल्वर कंटेन्स, जर्मन सिल्वर क्या कंटेन करती है भाई, दे दो जवाब फटाफट से। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, ऐसे ही जवाब देते जाओ। तो बच्चों जर्मन सिल्वर है उसमें 0% सिल्वर होता है। अब आप कहोगे सर ये तो बेहुदा मजाक हो गया, जर्मन सिल्वर, नाम सिल्वर रख दिया और सिल्वर कितना है 0%, तो इसमें होता क्या क्या है। तो बच्चों इसमें जो अमाउंट होगा, एक तो इसमें कॉपर होगा, एक इसमें निकल होगा, एक इसमें जिंक होगा। कॉपर कितना होगा 60%, निकल कितना होगा 20%, और जिंक भी कितना होगा 20%, सिल्वर इसमें नहीं होता। उसके बाद आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का जो केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है, वो क्या है, फटाफट से आंसर दे दो भाई। बिल्कुल जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप जवाब देते जाइए। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सोडियम क्लोराइड NaCl। उसके बाद आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर मे बी रिमूव्ड बाय द एडिशन ऑफ, कि पानी की जो परमानेंट हार्डनेस है अभी उसको किसका यूज करके दूर किया जा सकता है, फटाफट से आंसर दे दो। बता रखी हैं सारी बातें, जिन बच्चों ने थ्योरेटिकल क्लास देखी है उन बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी, और जिन्होंने थ्योरेटिकल क्लास नहीं देखी उन बच्चों को प्रॉब्लम आएगी भाई। तो बच्चों जितना हो सकता है थ्योरेटिकल क्लास को जरूर देखो, अपनी राइटिंग में अपने वर्ड्स में नोट्स जरूर बनाओ, ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ आपके माइंड में सेट हो जाए। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, सोडियम कार्बोनेट। क्या रहेगा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिख दो बच्चों एक बार लाइव चैट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37, विच हैज द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, कि किसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, इनमें से भी लोवेस्ट किसका होता है, फटाफट से बता दो राइट आंसर। तो बच्चों फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हीलियम, कि अगर मेटल्स नॉन मेटल्स का नाम ना लिया जाए तो जो लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट है वो किसका है, हीलियम का है, ठीक है बच्चों। और हीलियम एक तरह की क्या है, गैस है, ठीक है, और इसको नॉन मेटल्स में, सॉरी, ठीक है, इसको ये भी कहा जाता है कि जो हीलियम है, हीलियम की बात कर रहे हैं, तो हीलियम का जो फ्रीजिंग पॉइंट है बच्चों वो लोवेस्ट होता है सभी एलिमेंट्स में। अगर मेटल्स की बात कर ले तो मेटल्स में जो मरकरी है, मरकरी का लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होता है बच्चों, याद रख लेना दोनों बात। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट एलिमेंट इज यूज टू डिसइंफेक्ट स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए, यानी उसमें से बैक्टीरिया और जर्म्स को मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फटाफट से दे दो लाइव चैट में आंसर। गजब गजब के क्वेश्चन है बच्चों, आप जवाब जरूर दिया करो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना भी अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। वैसे मेरा दिल खुश हो जाता है जब सुबह तक मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे बच्चों ने वीडियो को देखा है, और ख़ास करके वीडियो के एंड में जब बच्चे कमेंट करते हैं अपना स्कोर और वीडियो के बारे में बातें लिखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना जो स्कोर है बच्चों
वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो, और वीडियो के बारे में जो अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं वो ज़रूर लिखा करो, भाई अच्छी लगी या नहीं लगी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन बी, क्लोरीन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 पे, व्हाट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है भाई, किस चीज़ का प्रोसेस होता है, नाइन्थ क्लास में हमने ये चीज़ पढ़ी। तो फटाफट से राइट आंसर दे, कोई बात नहीं याद नहीं है तो मैं बता दूंगा यार, टेंशन नहीं लेने की, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, बस आप एक बार जवाब दे दो, सही हो या गलत हो जवाब ज़रूर देना चाहिए, ठीक है। कहते हैं ना गलतियां करके ही हम कुछ सीखते हैं, तो गलतियां तो करनी पड़ेगी भाई सीखने के लिए। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन सी, कि ये प्रोसेस है जिसमें सॉलिड को डायरेक्टली किस में बदला जाता है, वेपर्स में बदला जाता है, ठीक है। सॉलिड को डायरेक्टली किस में बदला जाता है, वेपर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 40, फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई इज सफिशिएंट, कि किस कलर की जो फ्लेम है बच्चों प्रोड्यूस होगी जब क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होगी, सफिशिएंट होगी उसके लिए। तो फटाफट से राइट आंसर दे दो बच्चों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, ब्लू। कौन सी, ब्लू फ्लेम जब कब प्रोड्यूस होगी, जब ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होगी, सफिशियंट होगी। जब कैंडल जलाएंगे तो ब्लू कलर की लाइट प्रोड्यूस होगी ना, तो उस टाइम जो ऑक्सीजन है वहाँ क्या होगी, फुल अमाउंट में होगी। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 41, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ, कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट से अर्थ में चार्ज को ट्रांसफर करना क्या कहलाता है। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो। बड़े गजब के बच्चे हैं, बस ऐसे ही जवाब देते जाओ यार, बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यूं ही जवाब देते जाओ। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, अर्थिंग बोलेंगे इसको हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट जनरेटेड इन ए बायोगैस प्लांट, बायोगैस प्लांट में कौन सी गैस जनरेट नहीं होती। फटाफट से आंसर दे दो भाई इसका, फटाफट से आंसर दे दो बच्चों, क्वेश्चन करवा रखे हैं आप लोगों को, ठीक है, एक बार आंसर दे दो जबरदस्त सा। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड बायोगैस प्लांट में प्रोड्यूस नहीं होती, हाइड्रोजन सल्फाइड CO2 और मीथेन उसमें प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 43 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट ए मेटल, इनमें से कौन सा एलिमेंट मेटल नहीं है। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी, फॉस्फोरस। नेक्स्ट आइए बच्चों, इनफिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच रेन वाटर बिकम्स, इनफिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच रेन वाटर बिकम्स, इनफिल्ट्रेशन कैसा प्रोसेस है भाई, ठीक है, आप लोगों को इनफिल्ट्रेशन के बारे में तो पता होना चाहिए, एक बार आप आंसर दीजिए फिर बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ इसको। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, ग्राउंड वाटर। द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेन वाटर बाय द सोयल ऑन अर्थ इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन, कि जो वर्षा का पानी है, बरसात का पानी है, सोयल के द्वारा उसको अवशोषित करना क्या कहलाता है, इनफिल्ट्रेशन कहलाता है, ठीक है। इस प्रोसेस के थ्रू जो रेन वाटर है बच्चों उसको ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट किया जाता है, जो सोयल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है वो ग्राउंड वाटर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, विच इज ए कंपाउंड दैट कंटेन्स कार्बन, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसमें कार्बन प्रेजेंट है। फटाफट से आंसर दे दो, आसान आसान से क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए, बस आप जवाब देते जाइए, गजब गजब के क्वेश्चन है मेरे साथियों, जवाब जरूर दिया करो यार, आप जवाब नहीं देते ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, रिप्लाई करते रहा करो बस, वेरी गुड, वेल डन, इसी तरह से। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ द दीज। अब सुनिए, मीथेन, मीथेन में एक कार्बन होता है, इथेन में दो कार्बन होते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रोपेन की, किसकी बात करते हैं, प्रोपेन की,
प्रोपेन में कितने कार्बन होंगे? तो बच्चों प्रोपेन में कितने होते हैं? चार कार्बन होते हैं। इथेन में कितने होते हैं? दो। मिथेन में कितने होते हैं? एक। तो ऑप्शन डी क्या रहेगा? बिल्कुल सही। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 46। विच प्रोसेस इज अ केमिकल चेंज, कि कौन सा प्रोसेस है बच्चों जो केमिकल चेंज को दिखाता है, रासायनिक परिवर्तन को दिखाता है? फटाफट से लाइव चैट में आंसर लिख दो। वेरी गुड, वेल डन बच्चों, बस इसी तरह से जवाब देते जाओ भाई, शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, बर्निंग गैसोलीन। बर्निंग गैसोलीन, बर्निंग गैसोलीन है बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस है जिसमें केमिकल चेंज होता है, ठीक है। और जो केमिकल चेंज होता है बच्चों, चेंज इन द स्टार्टिंग सब्सटेंस दैट आर कॉल्ड रिएक्टेंट फ्रॉम द फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंसेस दैट आर कॉल्ड प्रोडक्ट। यानी बर्निंग गैसोलीन, गैसोलीन जब जलेगी भाई तो वहाँ से नए सब्सटेंस मिलेंगे, उसको हम कहेंगे केमिकल चेंज। बॉइलिंग वाटर, पानी को उबालेंगे तो वहाँ क्या सब्सटेंस मिलेगा भाई? कोई सब्सटेंस नहीं मिलेगा, वेपर्स मिलेंगे सिर्फ। वाटर इवेपोरेट होगा, वहाँ भी वेपर्स मिलेंगे। आइस मेल्ट होगी तो वाटर मिलेगा, वो पहले से ही वाटर था, कोई नया चेंज तो नहीं आया ना, इसलिए उसको केमिकल चेंज नहीं कहेंगे, फिजिकल चेंज कहेंगे। नेक्स्ट है बच्चों 47। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड, इनमें से कौन सा कंपाउंड का एग्जाम्पल है? फटाफट से लाइव चैट में आंसर लिख दो बच्चों। बड़े गजब गजब के क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बस आप जवाब देते जाओ। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, अमोनिया गैस। अमोनिया गैस एक कंपाउंड कंपाउंड है बच्चों। मैग्नीज है वो एलिमेंट है, एयर है मिक्सचर है, ओजोन है वो भी क्या है, एक मिक्सचर है, या उसको हम बोल सकते हैं भाई मिक्सचर ही बोलेंगे यार लगभग, या कंपाउंड बोल सकते हैं, एलिमेंट बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा बच्चों 48, चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड, कि उस चेंज को हम क्या कहेंगे जिसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंस नए पदार्थ बनते हैं? फटाफट से आंसर दे दो। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये, थोड़ी देर पहले ही मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया था जिसमें मैंने ये कहा था कि रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से नए प्रोडक्ट बनेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? केमिकल चेंज। ऑप्शन बी क्या रहेगा? बिल्कुल सही। नेक्स्ट है बच्चों 49, व्हाट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्जैलिक एसिड, ऑक्जैलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है बच्चों? फटाफट से आंसर दे दो भाई। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा टोमेटो, या यूं पूछा जा सकता है टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, आप कहोगे ऑक्जैलिक एसिड। नेक्स्ट है बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन, सोल टेस्ट ऑफ लेमन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कि लेमन का जो खट्टा स्वाद होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक भी करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है बच्चों। और एक छोटा सा काम और भी करना है आप लोगों को, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। और जिस बच्चे को स्टडी मटेरियल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन कर लेना, और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी टेक्निकल टीम है उनको SMS कर देना, मैसेज कर देना, वो आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बता देंगे। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, सिट्रिक एसिड। क्या रहेगा? ऑप्शन ए सिट्रिक एसिड। लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताना बच्चों कैसी लगी आप लोगों को। इसके साथ साथ आपके जो सखे संबंधी हैं, प्यारे यार मित्र दोस्त जो भी हैं उनके साथ शेयर जरूर करना, व्हाट्सएप टेलीग्राम इंस्टा, ठीक है, और अपने फेसबुक पे ज़रूर शेयर करना बच्चों। आप लोग जितना हमें सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, प्यार बरसाते रहिए। आप लोगों के जो प्रैक्टिस सेट्स हैं, आप लोगों की क्लासेस हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही चलती रहेगी मेरे प्यारे साथियों। और आपका VLD एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी एडमिशन ज़रूर होगा, बस थोड़ी सी लगन और मेहनत की ज़रूरत है जो आप कर रहे हो, और उम्मीद है थोड़ी सी आप इसको और भी अच्छे से बढ़ाओगे।
तो जो बच्चे प्रैक्टिस सेट लगातार देख रहे हैं वो कम से कम 2 बार प्रैक्टिस सेट जरूर देखें ताकि हर एक क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाए। तो बच्चों आज इन पॉजिटिव सी बातों के साथ बस इतना ही, अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में भाई, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।